नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामने के बाद धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है उन लिस्ट में सिर्फ चार नेता ऐसे हैं जिनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, विजय पाल और उनके पिताजी शामिल हैं। इनमें कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी को नुकसान होगा। विधायक ने इस सवाल पर बोरा ने बताया है कि इन चार नेताओं का कांग्रेस पार्टी छोड़ने को कोई पर्सनल रीजन रहा होगा। पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा कांग्रेस छोड़ने को लेकर विधायक बोरा ने कहा है कि बैरवा कांग्रेस में रहकर क्या करते हैं और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए तो 1399 वोट मिले। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में बैरवा का क्या योगदान है और एक सिंगल चीज का उनका योगदान नहीं है। बैरवा की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग उनसे थक चुके थे। वो अच्छा हुआ कि कांग्रेस से बीजेपी में चले गए और अब बीजेपी वाले समझेंगे कि उन्होंने किस नेता को ले लिया है, पार्टी क्यों छोड़ी। इस सवाल पर पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव से पारिवारिक संबंध को लेकर विधायक बोरा ने कहा कि हर आदमी अपनी अलग अलग परिस्थिति होती है। किसी को ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे इन सभी पारिवारिक और अच्छे संबंध हैं इन सभी से, लेकिन उनकी प्रॉब्लम टीवी पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, अब हम लोग बैठेंगे तब अंदरूनी बात पता चलेगी और कांग्रेस ने उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। गहलोत सरकार में दोनों मंत्री थे, दोनों ने बहुत अच्छे कार्य किए। दोनों ने अशोक गहलोत के कारण कांग्रेस छोड़ने की बात पब्लिक में नहीं कही है। हर आदमी की अलग अलग परिस्थिति है और परिस्थिति के कारण आदमी पार्टी छोड़ता है। कोई परिस्थिति ऐसी बन गई होगी कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ये सब कहा है बैरवा ने अपने एक इंटरव्यू में। जो कांग्रेस छोड़कर के गए हैं बीजेपी में नेता, उन सभी के बारे में इस तरह के बयान हैं वो उन्होंने दिए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।